तो गाइस ये वाले आपको दिख रहे होंगे पहाड़ी हाउस, ऐसे होते थे पहले पहाड़ी घर, तो पठाली और ये ऐसे। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि पहाड़ी हाउस जो है वो उसमें कुछ भी ऐसे नहीं कि सीमेंट वगैरह यूज़ होता है, तो ये ज़्यादातर मिट्टी पत्थर और लकड़ी से ही बनते और कुछ भी चीज़ में यूज़ नहीं होता है। तो अभी फिर से पहुंच चुके हैं दादी और के घर में, दादी बैठी थे, दादी भी सुबह सुबह काम करके आ रही है। देखा तो मुंगर गोड़ते ही तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीष भंडारी, उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हरी भरी हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है मिडल भवानी, जो कि मैं आपको ज़्यादातर अपने ब्लॉग्स में दिखाते रहता हूं। तो अभी गाइस हम सुबह सुबह जा रहे हैं घास लेने के लिए। तो कौन सा घास मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सूखा वाला घास ले रखा मम्मी ने ऊपर गाँव में, तो जिनके पास होता है तो वो लोग फिर बेच देते हैं, तो मम्मी ने लिया था। तो अभी मैं मम्मी और दीपा जाएंगे लेने के लिए, ऐसे बोलते हैं गोल्डा। तो पहले हम भी लेके आते थे बहुत दूर जंगलों से, और जैसे लोगों के जो ज़मीन होती है उस पर भी काफ़ी हो जाते हैं, जिनका जिनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा, तो उनके पखाड़ बोलते हैं हम, तो जिसमें सिर्फ घास वगैरह होता है, तो उस जगह में काफ़ी होता है लोगों का, तो लोग फिर बेच देते हैं। ऊपर ही गाँव में कहीं दादा और से मम्मी ने ये ले रखा है, तो ये लेने के लिए जाना है। इसे बोलते हैं गोल्डा हमारी भाषा में, गढ़वाली में तो हम गोल्डा बोलते हैं। तो आई डोंट नो कि आप क्या बोलते होंगे अपने अपने जगहों में, तो शहरों में तो होता ही नहीं, पहाड़ों में ये ज़्यादातर होता है। सूखा घास ये कब काम आता है, जब आपके पास हरा भरा घास कम हो जाता है तो इसको काट के भिगो के गाय भैंस खा लेते हैं। तो अभी हमको जाना है यहाँ से ऊपर और लास्ट है बीच वाले गांव में, जहाँ बोलते हैं बिचली गांव, तो वहाँ से लेके आना है हमें। वाह स्कूल तुम जा रही है, वाह कत बजे स्कूल तुम्हार, 7 बजे 7:15 है। तो यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसे दिख रहा है और बच्चे जा रहे हैं अभी स्कूल, दीपा भी आ चुके हैं। दया नमस्ते, हाँ तो ठीक है, क्या करना जान दो, अब जान थोड़ी देर हम जरा गोल्डली तो नहीं गाती तब जान। ओए हमारे पास भी सेम ऐसी है, और दूसरी दादी यहाँ पे अपने भैंस को नहलाते हुए। दया नमस्ते, चलो 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 चलो। ये जो पीछे वाला घर था ये था राधिका का, और ये सुनील का घर है इधर। दया नमस्ते, अभी जाऊंगा। एंड गाइस बस अब हम पहुंचने वाले हैं। ओए चल चल आजा। तो सुबह सुबह मेरे को ये डॉगी मिल गया, किसी का होगा, इसने देखो मिट्टी लगा दी मेरे यहाँ कपड़े पे, उछल के खेल रहा था। और यहाँ से दिखता है हमारा सामने वाला गांव, हमारे गांव में आता है ये भी, तो जगह को बोलते हैं कठिया। तो पर बहुत सारे कैंप लगे हुए। ओए चल चल। तो अभी अपन पहुँच चुके हैं, तो गाइस ये वाले आपको दिख रहे होंगे पहाड़ी हाउस, ऐसे होते थे पहले पहाड़ी घर, तो पठाली और ये ऐसे। तो इस जगह में ना अभी होम स्टे मस्त बन सकता है अगर ये लोग बनाना चाहें, और वैसे भी रोड सपोर्ट बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि पहाड़ी हाउस जो है वो उसमें कुछ भी ऐसे नहीं कि सीमेंट वगैरह यूज़ होता है, तो ये ज़्यादातर मिट्टी पत्थर और लकड़ी से ही बनते और कुछ भी चीज़ में यूज़ नहीं होता है, और सर्दियों के टाइम पे गर्म होते और गर्मियों के टाइम पे ठंडे रहते घर एकदम अंदर से। और अब हम पहुंच चुके हैं दादा और के घर में, और यहाँ पे गोल्डा
ये कुत्ता कितना कमजोर है, उबार देखिए छोटू क्या मोटू था। ये ना भाई ब्यो थे ना वो क्या घपलू था भाई, 2-3 महीने में कमजोर है भाई। चिल्लाने लगी हूँ गरम इलाका ना तभी था वो उन्होंने तो ये गोल्डा ये रही बस एंड गाइज अभी मैं लेके जा रहा हूँ तो फर्स्ट मेरे को दोबारा भी आना है शायद, तो इस वजह से पहले मैंने कहा मैं ही लेके चलता हूँ फिर मैं दोबारा आ जाऊँगा। तो चलते हैं अभी जल्दी से। नमस्ते, ठीक है? कहाँ ना होना मोर बॉडी कौन है खूब है। हाँ यो मैं दीचिरा ठीक था, अभी हम दोबारा आऊँ मैं। तो अभी मेरे को जो दादी मिली थी तो उन्हीं दादी और के यहाँ से हम लेके जा रहे हैं गोल्डा। इतना बड़ा है देखो, पहाड़ जैसा रखा है मैंने सर में, मेरे गर्दन एक साइड ऐसे टेढ़ी होगी, इसके उड़ उड़ के ना मेरे मुंह में जा रहे इसके रेसे। तो एक बार तो मैं रख के आ गया, अभी चलता हूँ नेक्स्ट बारी है मेरी, तो चलते हैं। उफ तो अभी फिर से पहुंच चुके दादी और के घर में, दादी बैठी थे, दादी भी सुबह सुबह काम करके आ रही थे। कहां था दोन मुंगर गोड़ी थे गांव लोग में सता जरा मुंगर खा। दादी भी मक्खियों से जो में ये देखा कवाड़ हो जाता उसको निकालने गई थी दादी खेतों में। ये देख दियो चिच्चा को देखते वीडियो चंडीगढ़ बैंगलोर और डेली देख रहा हूँ वीडियो। ये क्या बोल रही है दादी को बस चाहिए बस सारा देगा बोल वीडियो। दादी तो घर लगा मेरा तो अभी अपन फिर से ये सुगर फिर से दूसरे वाला उठा लिया है। अभी चलते ही हम बोलते हैं गडोल गट्ठी उठा ली दूसरे वाली गट्ठी और अब चलते हैं जल्दी से। और आज जो है ना सुबह सुबह अच्छी वाली एक्सरसाइज होगी, पसीना आ गया एकदम, तो हार्ड वर्क होना भी जरूरी है तभी आप फिट रहते। वैसे तो हमारा हार्ड वर्क ही है ज़्यादातर काम, जो भी है आप देखते होंगे मेरा वीडियो जो मैं राफ्टिंग में, तो सारा हार्ड काम ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया सुबह सुबह। और जहाँ से हम लेके आ रहे हैं हमारा घर से डिस्टेंस होगा 200-250 मीटर होगा, 200 मीटर मान लो तो दो राउंड जाने के, तो 800 मीटर हो गया ऐसे सुबह सुबह 1 किलोमीटर चल दिए। फाइनली पहुँच चुके हैं, अब ये फेंकते हैं ऐसे नीचे। तो ये इसके नीचे जो था वो मैं लेके आया, ये वाला भी मैं लेके आया, मम्मी और रख देंगे इसको अब सुखाने के लिए, और फिर से इसको बाद में सुखाने के बाद अंदर रख देंगे। शक्ल कुछ ऐसे हो सकती है, ऐसे होगी मेरी। तो दोस्तों अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और एकदम रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए, तो आज भी 8:30 हो गया, तो घर का काम भी ज़रूरी होता है तो क्योंकि नहीं तो मम्मी दीपा लेके आ जाते, तो फिर मम्मी को क्या कि ज़्यादा वजन जो अपने गर्दन में नहीं रखना है, तो उस वजह से फिर मैं गया सुबह उनके साथ और 2 राउंड मैंने मारे और 1 राउंड दीपा लेके आए क्योंकि वो बांध भी रहे थे, जब तक वो बांध रहे थे तब तक मैं लेके आ रहा था, तो मेरे को मतलब ऊपर नीचे जाने में 10 मिनट का टाइम लग रहा था, तो 10 मिनट में तब तक वो काम हो गया और लगे होंगे मैं 20 मिनट ही लग गया मैं। तो सुबह सुबह यही था, तो पहाड़ी लाइफ स्टाइल आज आपको मैंने प्योर वाला दिखा दिया, तो अपने गाँव के एरिया में सब कुछ और सब लोगों से मिल गए सुबह सुबह, दादा दादी जो जितने भी गाँव में थे रिलेटिव, तो गाँव में सारे जानने वाले हैं। तो मैंने दादी को बोला कि आपकी वीडियो सब देखेंगे, आपके लड़के चंडीगढ़ में जो बैंगलोर में हो सब देखेंगे, दादी बोली सबको भेज देगा वाली, तो ये भी अच्छा लगता है जब वो लोग भी देखेंगे अपने घरों में क्या क्या चल रहा है तो उनको भी पसंद आएगा। तो चाचा तो देखते हैं मेरे ब्लॉग्स तो बोलते रहते हैं। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉग
स्टार्ट करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आएगा आज वाला ब्लॉग। सो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें पहाड़ी बॉय मनीष, और जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय, लव यू ऑल, गुड।